1 अक्टूबर 2022 विश्व खगोल विज्ञान दिवस के मौके ते दिल्ली पब्लिक स्कूल राजपुरा ने अपने विद्यार्थियों लिए एक डिजिटल मोबाइल प्लेनेटेरियम का आयोजन किया, जिस नाल उन्हां नूं चमकदे रात दे आसमान दी पड़चोल करन दा मौका मिलिया। उन्हां दी उत्सुकता नूं वधाउंदे होए हर उम्र दे बच्चियां नूं उन्हां दे खगोल विज्ञानक सुभाव विच टैप करन लई उत्साहित कीता गया सी। इसने उन्हां नूं तारियां अते ग्रहियां दे अंतर सत्रिक संसार विच लीन होण दा मौका दित्ता। विद्यार्थियों नूं मोबाइल इंटर गैलेक्टिक डोम दे नाल एक अपनी किस्म दा अनुभव सी, जिथे बच्चियां नूं आकाशी तत्थां पुलाड़ विच खगोल विज्ञानक पदार्थां दे पिछे सिद्धांतां बारे दस्या गया सी अते उन्हां दे उम्र समूहां दे अनुसार फिल्मां दिखाईयां गईयां सन, जिस तों बाद एक इंटरैक्टिव सैशन कीता गया सी। मार परी नर्सरी विंग तों लै के ग्रेड 12 तक दे बच्चियां ने दिलचस्पी रखण वाले मापियां दे एक समूह दे नाल इस अनुभव दा पूरा आनंद लिया। अजिहे ब्रह्मंडी प्रोग्रामां दे आयोजन विच मोरी होण दे नाते DPS राजपुरा दी शुरुआत तों बाद इह तीजी अजिही खगोली घटना सी। इस तों पहलां DPS राजपुरा ने एक्सप्लोरिंग दा स्काईज़ दी मेज़बानी कीती सी, जिथे विद्यार्थियों ने टेलीस्कोप नाल शाम दे आसमान दी खोज कीती सी। विद्यार्थियों दे मापियां ने स्कूल दी मुख अध्यापका श्रीमती गीतिका चंद्रा जी दा बहुत धन्नवाद कीता, जिन्हां दे उपरालियां करके ही उन्हां दे बच्चियां नूं नवीआं चीज़ां बारे जानकारी प्राप्त हुंदी है। मुख अध्यापका जी अनुसार मनुख नूं धरती तों उपर उठना चाहिदा है, वायुमंडल दे सिखर तक अते इस तों परे, क्योंकि केवल इस तरह ओह उस संसार नूं पूरी तरह समझ सकेगा जिस विच ओह रहिंदा है। जीवन दा उद्देश सूरज चंद्रमा अते आकाश दी जांच है। राजपुरा तों जतिंदर लक्की दी खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं मिसेस गीतिका चंद्रा, प्रिंसिपल DPS राजपुरा। आज हमारे स्कूल में वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने एक मोबाइल प्लैनेटेरियम मंगाया है बच्चों के लिए, बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए, कि हम स्पेशियल एक्सपीरियंस में कहूँगी इस तरह से। जैसे कि अभी आप बाहर आवाज़ सुन रहे थे, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड साउंड कर रहे हैं, तो आई गेस उनका क्या चल रहा है, दे आर लर्निंग हाउ टू फाइंड द नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्काई के अंदर। ऐसे जो आप ये आज सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे आगे भी सेलिब्रेट होता रहता है या? हाँ जी सर, डे जो है आप ही फर्स्ट टाइम? सर ये तो एक बहाना है, एक आज डे आ गया है, एक बहाना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें, हर तरह के एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, बिकॉज लर्निंग द बेस्ट लर्निंग दैट वी फील इज थ्रू द एक्सपीरियंसेस। बुकिश नॉलेज तो इतनी सभी पढ़ा लेते हैं सर। जैसे देखा गया कि दूसरे स्कूल्स हैं तो उसमें ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बट इट इज़ द डिफरेंट कंसेप्ट जो आज आपने चलाया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंस देने वाले हैं और आधे स्कूल ऑलरेडी कर चुका है, ये एक्सपीरियंस उनके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। जो ये बैठकर स्कूल के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, और उसमें ये कॉन्स्टेलेशन कैसी होती हैं, क्या कहाँ से बना होता है, और एक सिंपल क्वेश्चन सा, जैसे मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी DPS के बच्चे से पूछेंगे कि दिन के टाइम पे आपको तारे दिखते हैं, तो वो उसका आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि तारे तो हैं यहाँ पर, वो बिकॉज सन है हमें दिख नहीं रहा। तो ये एक डिफरेंस रहेगा, जबकि बच्चे ये अंडरस्टैंड करेंगे तभी ये आंसर दे पाएंगे। ये आंसर कोई लर्न करने वाला आंसर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो आज के इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि हमें इसके बारे में, स्पेस के बारे में बच्चों को बुक में पढ़ाना ना पड़े और उनको रोट लर्निंग नहीं कराना पड़े, दे गिव आंसर्स देमसेल्व्स। बेटा क्या नाम है आपका? आयान। विच क्लास? फोर्थ। तो आज आपके यहाँ पे जो एक शो हुआ है उसके बारे में कैसा लगा आपको? जब मैं अंदर गया तब मेरे को ऐसे लगा जैसे इग्लू टाइप हो कुछ, तब मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे ही बंद हुआ तब मेरे को सारे प्लैनेट्स दिखने लगे। मेरा मतलब मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया स्टार्स के बारे में, बहुत कुछ लर्न किया स्टार्स के बारे में। मजा आया? यस। कितना? 100%। 100%। अपने फ्रेंड्स को क्या संदेश दोगे? गैलेक्सीज वे मोर बिगर देन यू थिंक। थैंक यू।
थैंक यू। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? प्रखर। प्रखर, कौन सी क्लास से? फोर्थ। विच स्कूल? टीपीएस। ओके, तो आज यहाँ पे जो आपने एक शो देखा था रिगार्डिंग फॉर स्टार्स एंड ऑल, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा। आगे भी ऐसे शो होते रहते हैं? क्या आपने देखा आपने उसको? कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उसमें हमने प्लैनेट्स के बारे में पूछा, ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल, उसके बारे में लर्निंग का आपको बोलना। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पे डीपीएस राजपुरा में आप ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके बारे में बताएंगे? ये प्लैनेटेरियम या तारामंडल इसे हम कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को अगर तारों के बारे में या चंद्रमा, जो चांद के जो फेजेस, जो मून हम कहते हैं कि पूर्णमासी, अमावस्या, फिर वो घटना बढ़ना, सप्तमी, अष्टमी, जो तिथियां होती है हमारी, तो वैसे अगर बच्चों को हमें समझाना हो तो हमें वो शाम या रात करनी होती है। कुछ तारों के बारे में तारामंडल या कॉन्स्टलेशन हम जिन्हें बोलते हैं, और फिर उस रात में ये भी होना चाहिए कि मौसम भी ख़राब ना हो। तो उन बड़े बच्चों को भी अब इतनी नहीं कर सकते, और जो प्राइमरी के बच्चे हैं, पाँचवीं तक के बच्चे हैं या पहली दूसरी क्लास के, नर्सरी के, उनको तो और भी कठिन हो जाता है बताना। अब जब हम थे, मैं अपने समय की बात कर सकता हूँ, हम तो छतों पे सोया करते थे। आज से 30-35 साल पहले बिजली भी नहीं आया करती थी, तो वैसे ही छत पर सोया करते थे। तो हमारे पिताजी हमें बता दिया करते थे, या दादा दादी होते थे वो बता देते थे। तो अब क्योंकि बच्चों को अब हम फूलों और सबके बारे में सब बताते ही हैं उनको, कि कौन सा फूल है, कैसे है, उसके लिए स्कूल में फूल लगाए जाते हैं या हम घर में बताते हैं उनको। जैविक विज्ञान भी, पेड़ पौधे सब काफ़ी स्कूल लगाते हैं, अभी स्कूल ने भी लगाए हुए हैं, और वो बताते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन तारों के बारे में हम बता नहीं रहे। और एक दूसरी बात एक ये भी होती है कि तारों से ही जो एक, जिसे हम प्योर साइंसेस कहते हैं ना, विज्ञान में जो रुचि है, वो जब एस्ट्रोनॉमी में रुचि आती है तो विज्ञान में भी अपने आप रुचि आती है। अच्छा, ये होते हम देख रहे हैं आसपास, तो बच्चों ने वो देखना, और वो ना उनको फिर दिखना भी कम हो गया। अब चलो यहाँ तो मैं फिर भी कहूँगा जो गांव में रहते हैं उनको है, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर राजपुरे में या शहर में होंगे उनको फिर तारे वैसे भी नहीं दिखते होंगे। तो इसके साथ हमारा ध्येय क्या है कि हम उनको वो तारे दिखाएं। जैसे आप जो ये शो देख रहे थे अभी, ध्रुव तारा, कि ध्रुव तारा कैसे ढूंढे, उसमें तारामंडल के बारे में बताया, कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया। इससे पहले जो फिर हमने ये, अब हो गया क्लास फोर्थ के लिए, कक्षा चार के लिए, उसी तरह से फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए हमने वो मून के फेजेस के बारे में बताया। उससे पहले लोगों को ये बताया, लोग नहीं तो कहते चांद ऊपर है, पृथ्वी नीचे है। तो उनमें जो छोटे बच्चों का एक शो था, उसमें ये दिखाया पप्पी ऑन द मून, उसमें बताया भाई यहाँ से जब मून पे जा रहे हैं, अब उनको कार्टून के दिखाने के लिए ऐसे बता दिया कि भाई ये कुत्ते के साथ गया, वो कुत्ता चला गया एक अपनी जो उसकी ओनर या माँ बोल, मालकिन बोल ले, माँ बोल ले, जो भी बोल ले, उसके वो ट्रंक में बैठ के एस्ट्रोनॉट है, तो वो उसके साथ चांद पे चला गया, तो वहाँ से उसे पृथ्वी नीचे दिख रही है। अब तो अप डाउन का कंसेप्ट हो, ये थोड़ा बच्चे मतलब एक इससे एक समझ लेते हैं, क्योंकि इसको हम एडुटेनमेंट बोलते हैं, एक एंटरटेनमेंट भी होती है, बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, थोड़े बीच में गाने या उस तरह से एक डाल देते हैं जहाँ ये बच्चे इस चीज़ को समझ भी सके और एंटरटेनमेंट के लिए वो करे भी अपना। तो हमने ये बेसिकली किया कि अब ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि एक घंटे में हम या आधे घंटे के शो में साइंटिस्ट बना देंगे या क्या करेंगे, लेकिन जिसको इसमें इंटरेस्ट हो वो इनिशिएट हो जाता है एक इसमें, तो एक इनिशिएशन है। फिर स्कूल में मैम ने ये मुलाकात हुई हमारे जो यहाँ चंडीगढ़ में साथ हैं हमारे, तो उनसे मुलाकात होकर मैम ने कहा ये हम यहाँ ये करना चाहते हैं, तो फिर हमने ये शो करके ताकि बच्चे एक इनिशिएट हो जाए आधे घंटे या पौने घंटे में देख के, फिर जिस जिसका इंटरेस्ट बने वो इसमें आए, और एटलीस्ट जब इससे होगा तो हो सकता है वो अपने टीचर से पूछे, घर में जाके माँ बाप से पूछे, शाम को वैसे ही देखना शुरू करें। और इसी से फिर अब मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल दूंगा एक संक्षिप्त में इतना, कि इससे काफ़ी वो एक इनिशिएशन की हम तरफ देखते हैं कि बच्चे थोड़ा विज्ञान की तरफ भी इनिशिएट हो सके, बेसिकली नॉलेज देने के लिए। हाँ, नॉलेज देने के लिए। अब मैं ये कहूँगा नॉलेज भी नहीं है, हम एक बता रहे हैं कि ये भी एक चीज़ है, और इसमें आपको जो एक जो उनके लिए ग्रे एरिया सा होता है कि क्या है, तो थोड़ा सा उस ग्रे एरिया को हम हटाने की कोशिश करते हैं। नई टेक्निक से ये फर्क, मैंने वही वजह से आपको बताया शुरू में कि हाँ, अगर मैं इनको प्लेन्स, अब हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, मतलब हम एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं हम स्क्रीन में जब देख रहे हैं, एक
ब्लैंक स्क्रीन में हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन होती है, या तो ऐसे है लाइन या ऐसे ऐसे है। हम कैसे बोलते हैं चांद कहाँ से निकलता है, आप मुझे बताना मैं गलत कह रहा हूँ। हम ऐसे ऐसे हम कहते हैं ये यहाँ से निकलता है, फिर हम कहते हैं दोपहर को कहाँ होता है, हम कहते हैं यहाँ होता है। फिर बच्चों से हम पूछते हैं क्या वो यहीं होता है हमेशा, वो इसमें बताया भी गया है कि वो ऐसे सीधा नहीं जाता, जब हम दक्षिणायन उत्तरायण जो हम बोलते हैं तो नहीं, क्लास वाइज अलग अलग किया है, जैसे कि जो बच्चों के लिए जो है भी उनकी जो जिस तरह की वो करिकुलम में जो उनके उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेकंड को वो फेजेस ऑफ मून के बारे में बता रहे हैं हम। कितनी देर का शो है सर ये? लगभग छोटे बच्चे जो है उनके लिए 20 मिनट का, बिल्कुल ही छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन के प्री प्राइमरी के, जैसे जैसे बड़े होते हैं बड़े होते होते 35-37 ये जो है ये 35 मिनट का शो है करीबन। ठीक है, उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप।